मार दिया है, 76 के लिए आपके पास कुछ नहीं रही है, अब आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे रुका हुआ है तो अब इंतजार करिए मार्च का। मार्च तक क्यों इंतजार करना चाहिए? कौन सा मुहूर्त देख रही हैं? यहाँ सब परीक्षाएं हो रहा है, बच्चों के एडमिशन लेना है, व्यापम की परीक्षाएं होने हैं, पुलिस में भर्ती होना है, शिक्षकों की भर्ती होना है, हेल्थ में भर्ती होना है, सारी भर्तियां रुकी हुई है और रोके बैठे हैं। ये संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है जिसमें वो करेंगे? वो तो दिसंबर में पास हुआ है और अब तक के रोके हुए बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुप है, किसके इशारे पे? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इसको रोका जा रहा है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। सर आज से बीजेपी ने नमस्कार, कल का प्रवचन कैसा रहा? ठीक ही है। मेरे फोन पे 6260358188 GST की क्षतिपूर्ति की बहाली नहीं होना, धान से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है उसको रोकना, ओल्ड पेंशन स्कीम ये लोग कभी लागू नहीं करेंगे, आरक्षण सब भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप बैठे हैं। ये लोग तो आदिवासियों को 20% दे रहे थे, है ना, SC का 13% जनसंख्या है, 12% कर देते, OBC कभी 27% नहीं दिए। तो ये इनके और स्थिति क्या, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल सब की महंगाई, रसोई गैस की कीमतें ये सब बढ़ा हुआ है। तो ऐसे डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। ये कभी 2640 रुपये धान की कीमत नहीं दे पाएंगे, ये कभी कोदो कुटकी की कीमत 3000 रुपये नहीं दे पाएंगे, ये कभी 7 किलो से अधिक चावल गरीब परिवारों को नहीं दे पाएंगे। आज 35 किलो चावल मिल रहा है। ये ऐसे डबल इंजन की सरकार है, एक्चुअल में ट्रबल इंजन। तो ट्रबल इंजन सरकार जनता देख चुकी है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है और हिंसा बढ़ रही है। ये लोग जहां आप देखेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो यहां प्रदर्शन हुआ, किस प्रकार से पुलिस वालों को पीट रहे थे। अभी धर्मांतरण के नाम से भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में रैली निकाला गया, दूसरे जिले से आए थे, किस प्रकार से पुलिस वालों को मारे, SP का सर फटा। ये इनके हताशा है कि अब ये हिंसा पे उतारू हो गए हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर लेकिन कोई उससे ये नहीं आया, रख दिया क्या? डॉक्टर साहब ने कहा जिसको नहीं जाना वो ना जाए, लेकिन इस तरह की बात तो ना करे। कौन सी बात? मैंने कौन सी बात, मैं तो भगवान बुद्ध की बात किया, रामकृष्ण परमहंस की बात किया, किससे असहमत है? चमत्कार वाला लाइन, इसमें बीजेपी की हल्के बीजेपी का हाथ, पूरी विधायक बिल्कुल ठीक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए किसान आदिवासियों के हित में कोई फैसला किए नहीं, बल्कि आदिवासियों की जमीन को छीनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े, लोग कानून तक बना रहे थे, हमने उसको पलटा और लगातार आदिवासी जमीन छीने जा रही थी और बड़े कारपोरेट हाउस को दिया जा रहा था। पेशा नियम ये लागू नहीं किए, फॉरेस्ट एक्ट के तरफ पट्टा मिलना था, सामुदायिक पट्टा तो एक भी नहीं दिए थे। तो आदिवासियों के खिलाफ में लगातार फैसला करते रहे, अब उसके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। नक्सली हमारी नीति के कारण से नक्सली पीछे चले गए हैं, अब वो वहाँ हिंसा फैलाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। सर आम आदमी पार्टी के प्रभारी कह रहे हैं पति से वो मिलना चाह रहे हैं, खोजने क्या बात है, लिस्ट निकाल के देख लें
और जिसके पास जो बेचे हैं लाखों रुपये पाए हैं उनसे मिल लीजिए। कितने लोग हैं जिससे लाभान्वित हुए हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में रोज खड़े होकर बता रहे हैं कि हमको इतना गोबर से इतना पैसा मिला, उसको खोजने की क्या जरूरत है। दिल्ली में तो इस प्रकार का है नहीं, अब दिल्ली से जो सीख के आए हैं उतना ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा कर पा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। यही है कि गिल्ली डंडा पिट्ठूल यही सब खेल है सर। जब आप खेलते थे सर गिल्ली डंडा तो रमन सिंह मजाक उड़ा देते थे, आज वही खेल बीजेपी भी चालू कर रही है। वो कभी हरेली त्योहार नहीं मनाए, तीजा कभी मनाए नहीं, वो सबको बधाई दे रहे हैं, सबको देखे ट्वीट में कैसे उनका हुआ। आदिवासी पगड़ी कभी गमछा बांधे नहीं थे, अब मजबूरी में बांधना पड़ रहा है। अब देखें, अब गिल्ली मोहरा डंडा ये कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जाग नदी में उलान बाटी ना खेले। सर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अनुदान है वो घटाने के लिए अपील की है, और ये कहा है राज्य वैट नहीं घटा रहे इसलिए कीमत नहीं कम हुई है। हमने नवंबर 21 और 22 में दाम घटाए थे लेकिन फिर भी राज्य ने, एक चीज बताइए, ये चुनाव समय आते हैं तब इस प्रकार की बात करते हैं। सेंट्रल एक्साइज कम कर देना, सेस खत्म कर दे, सेस तो सेस का पैसा तो हमको मिलता नहीं। जो अभी सेंट्रल एक्साइज घटा के सेस लगाया और सेस का पूरा पैसा सेंट्रल पूल में जाता है, राज्यों को कुछ एक फुटी कड़ी नहीं मिलती उससे, तो सेस खत्म करें, है ना, सेंट्रल एक्साइज खत्म करें, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। जितना बढ़ाते हैं उतना परसेंट फिर वेट का हिस्सा भी बढ़ जाता है। आप तो निर्णायक हैं, निर्णय की स्थिति में पूरे देश में, अब हर राज्य बढ़ाए घटाए हम तो ये देखेंगे भाई पड़ोसी राज्य में कितना है, इधर कितना है, उसके हिसाब से हम लोग मैच करते हैं। यदि हम ज़्यादा बढ़ा दें तो सब गाड़ी भराने दूसरे प्रदेश में चल देंगे, हम घटा देंगे तो दूसरे राज्यों को फायदा, हमको नुकसान होगा। तो ये परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दे और सेस तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों लगाएं सेस, उसको ख़त्म करें, 4-4% तक सेस लगा के रखें, राज्य कुछ मिलता नहीं। सर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंद्र की बेटी ने कहा है कि व्यक्तिगत मामले पर पूरी पार्टी को नहीं लटका जा सकता। बिल्कुल ठीक कहते हैं, रमन सिंह जी के अपने बयान को देख लें, यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, बोले थे ना। आज क्यों अपने बयान से ऊपर लड़ रहे हैं, वही रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, और ये पर उपदेश कुशल बहुत है, है ना। किसी आदिवासी महिला के साथ अनाचार हो और उसके बाद रमन सिंह जी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है, रमन सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भी निंदा नहीं किए। व्यक्तिगत मामला है तो निंदा तो करो कम से कम, वो तो कर नहीं रहे, गिरफ्तारी की मांग तो कर नहीं रहे हो, ऐसा तो नहीं कि छुपाने में लगे हुए। सर कल विंदा करात आई थी, उन्होंने कहा इसमें बीजेपी की हाउस में बीजेपी का हाथ है, पूरे विधायक समूह उन्होंने नाम को चिन्हित किया जो बस्तर नारायणपुर में घटना मतदान जीत। बिल्कुल ठीक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए किस आदिवासियों के हित में कोई फैसला किए नहीं, बल्कि आदिवासियों की जमीन को छीनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े, लोग कानून तक बना रहे थे, हमने उसको पलटा और लगातार आदिवासी जमीन छीनी जा रही थी और बड़े कारपोरेट हाउस को दिया जा रहा था। पेशा नियम ये लागू नहीं किए, फॉरेस्ट राइट के एक तरफ पट्टा मिलना था, सामुदायिक पट्टा तो एक भी नहीं दिए थे, तो आदिवासियों के खिलाफ में लगातार फैसला करते रहे। अब उसके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, नक्सली हमारी नीति के कारण से नक्सली पीछे चले गए हैं, अब वो वहाँ हिंसा फैलाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर आम आदमी पार्टी के प्रभारी कह रहे हैं भैया बच्चे माइक के दोनों।